नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगी घर की झाड़ू के बारे में कि झाड़ू इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो और झाड़ू किस दिन खरीदना चाहिए, और नई झाड़ू अगर हमारे घर के लिए निकालनी है तो वो कब निकालना चाहिए, यानी झाड़ू से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आज आप इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि झाड़ू को इतना पवित्र माना जाता है इसलिए है क्योंकि झाड़ू का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम झाड़ू का अपमान करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से माँ लक्ष्मी का अपमान करते हैं। और आपने भी देखा होगा कि माता शीतला के एक हाथ में झाड़ू सदा सदा ही रहता है, तो इसलिए भी झाड़ू काफ़ी पवित्र होता है। और दोस्तों जिन लोगों को पैसे रुपए की तंगी है, परेशानी है, वो लोग झाड़ू से जुड़ा हुआ बहुत सारा उपाय, बहुत सारे टोटके भी करते हैं, पर अगर सामान्य जीवन में झाड़ू का सम्मान किया जाए तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और आपने भी देखा होगा कि धनतेरस पे जैसे हम बहुत सारी गहने, कपड़े, बर्तन कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें एक चीज़ झाड़ू भी होती है, तो आप ध्यान दिए हैं, वो झाड़ू इसलिए होती है क्योंकि आज के दिन लाई हुई वस्तुओं में माँ लक्ष्मी का निवास माना जाता है, तो इसलिए हम झाड़ू भी घर के लिए खरीद के लाते हैं। तो आज अगर आपको घर के लिए नई झाड़ू लानी है तो वो कब लाएंगे, तो दोस्तों सबसे पहले तो नई झाड़ू जब भी लाना हो तो कृष्ण पक्ष में लाई जाती है, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। कृष्ण पक्ष के अगर शनिवार के दिन अगर आप झाड़ू लाते हैं तो ये सबसे शुभ माना जाता है, और शनिवार को नहीं ला सकते हैं तो आप रविवार, मंगलवार के दिनों में भी ला सकते हैं। और दोस्तों ये दिन जो है खरवार के नाम से भी जाने जाते हैं, आपने भी सुना होगा कि कुछ दिनों को यानी मंगलवार, शनिवार और रविवार ये दिन जो है खरवार के नाम से भी जाने जाते हैं, तो खरवार को ही झाड़ू लाना चाहिए, तो उसमें सबसे उचित दिन जो होता है वह शनिवार का माना जाता है। और अगर आपके घर की पुरानी झाड़ू जो है टूट गई है, आप उसको फेंकना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये बात है कि आप उसको बिल्कुल बिखरा करके न फेंकें, जैसे वो बंधी हुई है वो उस तरह से आप बांध दें और बांध करके शनिवार के दिन आप उसे फेंक दें। कभी भी झाड़ू को जलाया नहीं जाता है, यानी कितनी भी टूटी फूटी झाड़ू है आप उसे फेंक दें, कचरे वाले को दे दें, कचरे के डब्बे में डाल दें, लेकिन आप उसको अपने हाथों से जलाएं नहीं। मैं पहले भी वीडियो में बताई हूँ, फिर बता रही हूँ कि आप अगर झाड़ू का अपमान करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से ये अपमान माँ लक्ष्मी का होता है। इस बात का बहुत अच्छी तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को बिल्कुल अपमान नहीं करना चाहिए, और झाड़ू को पैर से भी नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि झाड़ू कहीं इधर उधर पड़ा है तो उसको पैरों से इधर उधर हटाना नहीं चाहिए, ये गलत बात है, गलत तरीका है। और जब सुबह आप झाड़ू लगाने के लिए उठाएं तो एक बार झाड़ू को जरूर प्रणाम करें, क्योंकि दोस्तों देखिए झाड़ू जो है हमारे घर से नकारात्मकता को हटाता है, गंदगी को हटाता है, यानी अगर वो झाड़ू सफाई का काम ना करे तो ये माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में जो है नकारात्मकता काफी बैठ जाएगी, फैल जाएगी, तो इसलिए झाड़ू को इतना प्रमुख और श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। हाँ तो दोस्तों जो पुरानी झाड़ू फेंकनी है तो शनिवार का दिन जो है सबसे उत्तम माना जाता है। और किस दिन झाड़ू जो है बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, तो दोस्तों गुरुवार का दिन जो है भगवान विष्णु का दिन है, और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा आराधना या उनकी उपासना करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, तो इस दिन भी जिस दिन का संबंध जो है भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से होता है उस दिन भी हम झाड़ू को अपने घर से नहीं हटाते हैं, नहीं फेंकते हैं, ऐसी मान्यता है कि झाड़ू के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी चली जाती, तो इसलिए गुरुवार के दिन भी झाड़ू नहीं फेंका जाता है बाहर टूटी हुई, और वही चीज शुक्रवार के दिन भी होती है, शुक्रवार के दिन भी झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए घर से बाहर। और सबसे उचित जो दिन है आप जानना चाहते हैं तो वो शनिवार का दिन है, अमावस्या के दिन भी घर से कबाड़ हुआ, झाड़ू हुई, टूटी हुई कुछ भी चीजें आप जो है फेंक सकते हैं। अमावस्या के दिन अगर आप घर की सफाई करते हैं, घर से कबाड़ बेचते हैं, तो ये आपके लिए काफी अच्छा और लक्ष्मीदायक होता है। वैसे ही शनिवार का दिन होता है, इस दिन आप घर के जाले हटाएं, सफाई करें, और इस दिन आप पुरानी झाड़ू, पुरानी चीजें जो आप बाहर फेंकना चाहते हैं शनिवार या अमावस्या ये दिन जो है काफी अच्छा माना जाता है, इस दिन को आप फेंक सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो या पैसे रुपए आ रहे हैं तो थोड़ी बचत हो, फालतू की चीज़ों में ना खर्च हो, तो आप सबसे पहले सुबह का जो कार्य हो वो झाड़ू लगाना ही शुरू कीजिए। आप सुबह में जो है झाड़ू लगाइए, घर की साफ़ सफाई कीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे शास्त्र भी मानते हैं कि जब तक घर में साफ सुबह का झाड़ू नहीं लग जाता है घर बासी और नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ मिलता है कहा जाता है,
और दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आप घर के पूरे कोने कोने की सफाई जो है सुबह ही कर लें। घर में जो है आंगन होता है या घर के बीचों बीच का जो स्थान होता है वो ब्रह्म स्थान बोला जाता है, तो अगर आप ब्रह्म स्थान की सफाई भी सुबह सुबह कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सब लोग अपने कमरे में सोए हैं तो सारे कमरे की सफाई सुबह सुबह संभव नहीं है। तो आप भले ही घर का पोछा लगाएं या नहीं लगाएं, सबसे पहले आप घर में सफाई कर लें, घर के ब्रह्म स्थान जो बीचों बीच का स्थान होता है वहाँ कर लें, घर के मुख्य दरवाजे की साफ सफाई कर लें, यानी जितनी भी साफ सफाई आपको सुबह करनी है वो कर लें। घर के रसोई साफ करने के बाद ही, झाड़ू पोछा करने के बाद ही आप उसमें भोजन बनाना शुरू करें, चाय वगैरह जो भी बनाना हो वो शुरू करें। एक चीज़ और बता दे रही हूँ मैं कि बिना गैस के चूल्हे को साफ किए आपको चाय पानी कुछ भी नहीं गर्म करना चाहिए, कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं, क्योंकि ऐसे करने से हमारे शास्त्र जो बताते हैं कि दरिद्रता का वास हो जाता है, नकारात्मकता का वास हो जाता है। इसीलिए हम सुबह सुबह सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू के द्वारा ही हम गंदगी और नकारात्मकता को बाहर करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हैं। और दोस्तों देखिए, आप सुबह में झाड़ू लगाएं तो कचरा भी तुरंत हटा दें, घर से तुरंत फेंक दें। ऐसा नहीं हो कि कई दिनों का कचरा जो है आपके घर से एक साथ जा रहा है, इस बात की भी ध्यान दें, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा और ऐसे हमारे शास्त्र भी मानते हैं, इसीलिए झाड़ू को इतना प्रमुख माना जाता है, क्योंकि ये घर से हमारी गंदगी और नकारात्मकता को साफ करता है। अब एक झाड़ू से जुड़ा हुआ कुछ शगुन और अपशगुन जो है आपने भी सुना होगा। तो ऐसी मान्यता हमारी कि जब घर में अचानक किस बिना बात के कोई बच्चा झाड़ू लगाने लगता है तो पहले से लोग कहते आए हैं कि अगर कोई बच्चा झाड़ू लगा रहा है तो कोई मेहमान आने वाला है, कोई ऐसा मेहमान जिसे हम बहुत दिनों से मुलाकात करना चाहते हैं और मुलाकात हो नहीं पाई है। और दोस्तों कभी भी चलते फिरते पैर से झाड़ू को ठोकर नहीं लगाना चाहिए, और गलती से कभी लग जाता है तो तुरंत झाड़ू को प्रणाम करना चाहिए। और देखिए क्या होता है, किसी किसी की आदत होती है कि घर में अगर कोई बिल्ली आ गई या कुछ भी तो झाड़ू चला करके ही मार देते हैं। दोस्तों ये पाप बहुत बड़ा पाप है, कभी भी किसी जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। झाड़ू का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, घर की सफाई करना, उसको अन्य कामों में उपयोग न लें और किसी जानवर को मारने के काम में तो बिल्कुल भी न लें। झाड़ू को दोस्तों कभी भी खड़ी करके नहीं रखे जाते हैं। ऐसे बताया जाता है कि झाड़ू खड़ी करके रखने का मतलब है हम अपने जीवन में परेशानियों को स्वयं ही खड़ा करते हैं, इससे हमारे शत्रु खड़े होते हैं हमारे विपरीत। तो झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखा जाता है, और झाड़ू को जब भी रखें तो उसके रखने का एक उचित स्थान होता है, वो उचित स्थान होता है पश्चिम और दक्षिण के कोने में। तो इस कोने के अगर आपका कोई कमरा खाली है तो आप इस कमरे में जरूर रखें, और अगर नहीं रख सकते हैं इस कमरे में तो जहाँ भी रखें बस इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कभी भी चारपाई या बेड के नीचे झाड़ू को नहीं स्थान देना चाहिए, दरवाजे के पीछे भी बिल्कुल स्थान नहीं देना चाहिए। जहाँ भी झाड़ू को रखें आप ये ध्यान दें कि घर में आने जाने वालों की नज़र झाड़ू पे न पड़े, क्योंकि दोस्तों ऐसी मान्यता है कि झाड़ू को आप छुपा करके रखें जिस प्रकार अपने पैसे और अपने गहने छुपा करके रखते हैं। अब फिर बताऊंगी आपको, इसलिए छुपा के रखते हैं क्योंकि हम अपने लक्ष्मी को बाहर दिखाना नहीं चाहते हैं। जैसे कि पैसे वगैरह सभी लोग छुपा करके रखते हैं, तो उसी प्रकार आने जाने वाले की नज़र झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए, झाड़ू को भी बिल्कुल छुपा करके रखना चाहिए, ऐसी मान्यता है। अब झाड़ू को किसी जानवर से नहीं, झाड़ू से किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए, अपने पैरों से उसको ठोकर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जब आप झाड़ू को पैरों से ठोकर मारेंगे तो ऐसी मान्यता है कि आपके किस्मत को तकदीर को भी ठोकर लग जाती है। अब कारण तो आपको पता ही है कि ऐसा क्यों हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि सारी जानकारियाँ जो आपके मन में थी वो सारी इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो गई होंगी, और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।